अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर। आप देखिए, आप सबको पता है कि वन ईयर में कितने मंथ होते हैं, जल्दी से बताइए। 12 मंथ। वन ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी तरह कहूँ 4 ईयर्स में बताइए कितने मंथ हैं। 4 ईयर्स में कितने मंथ हैं? तो बहुत आसान है ना। अब आप देखें, 4 ईयर, 12 12 12 12 है ना। 1 2 3 4, 4 साल, सही है। 12 12 24 24 और 12, फिर 36 और फिर 12। एक तरीका ये है। इससे ज्यादा आसान तरीका क्या है? 12 1 2 3 4, 12 4 times is जी कितना? 48। अब ये 48 क्या आ गए? मंथ्स। बस बहुत आसान। अब मंथ और वीक, इसका क्या रिलेशन है? वीक इसका क्या रिलेशन है? हमें पता है वन मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। अगर कोई आपसे कह रहा है जल्दी से बताओ 5 महीने में कितने हफ्ते होंगे, देखिए दिमाग कह रहा है ना कि ज्यादा हो जाएगा आंसर, है ना। तो 5 मंथ में कितने होंगे, तो फिर आप क्या कहेंगे? वीक्स। तो क्या करेंगे आप? 1 मंथ में 4 वीक है, तो 5 मंथ में कितने होंगे? 4 5 टाइम इज कितना होगा? 20। तो 20 क्या चीज हो जाएंगे? वीक। ठीक है। अब वीक और डेज, तो देखिए वन वीक में कितने डेज होते हैं, जल्दी से बताइए। 7 डेज। और कोई आपसे कह रहा है जल्दी बताओ 3 वीक में कितने डेज हैं? 3 वीक में कितने डेज हैं? तो आप क्या करेंगे जल्दी से बताइए? 7 3 times is 21 days। आ गई बात समझ में? 2 ईयर्स, और इसमें आपको क्या बताने? वीक बताने। वीक, आप देखिए ईयर के बाद क्या आता है? ईयर, ईयर के बाद क्या आता है? मंथ, और मंथ के बाद आता है वीक, है ना। पहले हम वन बताते हैं ना कि एक साल में कितने, वन ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। और फिर 1 मंथ में कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं, ऐसे ही बताते हैं ना। तो अब इसमें हमने क्या करना होगा? पहले ईयर को किस में करना होगा? मंथ में। यानी हम ये कहेंगे वन ईयर इज इक्वल टू 2 12 मंथ, सही है। तो यानी 2 ईयर्स, तो 12 multiply 2, यानी 12 2 times is 24 मंथ। तो 2 साल में कितने मंथ आ गए? 24 मंथ आ गए। अब 24 मंथ में कितने वीक होंगे? तो हम कहेंगे 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक। ठीक है। तो फिर अब हमने किस में जाना है? मंथ से वीक में जाना है। तो फिर हम कहेंगे 4 24 times is 96 week, यानी 24 मंथ में 96 वीक्स होंगे, ऐसे। और फिर इससे आगे मची डेज में जा सकते हैं। आई समझ में बात? अब ये दिमाग इस्तेमाल करना होगा इसमें।